मधुबनी जिले के कलुआही थाना क्षेत्र अंतर्गत हरिपुर मालटोल गांव से नाबालिग लड़की को गांव के ही युवक के द्वारा बहला फुसला कर शादी की नीयत से अपहरण कर लिए जाने को लेकर अपहरित युवती की मां के द्वारा संबंधित थाने में दिए गए आवेदन पर कुछ दिन पूर्व मामला दर्ज किया गया था। उक्त मामले में एक महिला अभियुक्त की गिरफ्तारी के बाद अन्य सभी 5 अभियुक्त न्यायालय से लगातार फरार चल रहे हैं। वहीं नाबालिग युवती के संबंध में पुलिस सुराग लगा पाने में असमर्थ दिख रही है। ऐसे में न्यायालय के आदेश पर फरार चल रहे अभियुक्तों के घर दल बल के साथ कलुआही थाना की पुलिस ने पहुंचकर डुगडुगी बजाकर और माइक के माध्यम से गांव वालों को बताया गया कि फरार अभियुक्तों को सूचित कर दे कि बिना देर किए न्यायालय में संबंधित पुलिस थाना में आत्मसमर्पण कर दे, ऐसा नहीं करने पर चल अचल संपत्ति की कुर्की जब्ती कर लिया जाएगा। वहीं न्यायालय से निर्गत आदेश की कॉपी अभियुक्तों के घर की दीवार पर गांव वालों के समक्ष चिपकाया गया। इस कार्यवाही में कलुआही थाना के पुलिस अवर निरीक्षक राहुल कुमार, सहायक अवर निरीक्षक निर्मल सिंह, सहायक अवर निरीक्षक अर्जुन कुमार, सहायक अवर निरीक्षक पूजा कुमारी सहित काफी संख्या में ग्रामीण पुलिस एवं पुलिस बल के जवान मौजूद थे। आज कल रात में गुप्त सूचना मिली थी मॉर्निंग में कि कुछ जो कार चालक शराब लेके आने वाले हैं सहार घाट से, तो वहाँ पे बसैठा चौक पर चेकिंग लगाया गया था, जिस क्रम में एक कार और एक स्कूटी आई और पुलिस गाड़ी को तेजी से देखकर भागने लगे। फिर हमारी पुलिस टीम के द्वारा उनको पकड़ के पीछा किया गया, पकड़ा गया, जिसमें से एक कार और एक स्कूटी बरामद हुआ और दोनों गाड़ी में से टोटल 1200 बोतल नेपाली देसी शराब कुल मात्रा 360 लीटर बरामद हुआ और उनके यहाँ से एक एंड्रॉयड मोबाइल है और जिसमें दो लोग सवार थे वो भाग गए, लेकिन दो लोग पकड़े गए जिनका नाम अंकित कुमार है, मनीष कुमार, ये दोनों दरभंगा के रहने वाले थे। भागे हुए व्यक्ति का नाम भी चिन्हित हुआ है क्या? जी, भागे वाले व्यक्ति का भी नाम चिन्हित हो गया है और पुलिस के द्वारा शीघ्र टीम गठित करके उनकी भी छापेमारी कर गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। मैडम, बेनीपट्टी थाना क्षेत्र में इन दिनों झपट्टा मार गिरोह सक्रिय है। पूर्व मुखिया है सलेमपुर के, उनका कल 50,000 रुपया छीन लिया है। परसों चौथा रोज बनकट्टा के एक व्यक्ति का छीन लिया था। लगभग 3 महीने के दौरान आधा दर्जन से अधिक घटनाएं हो चुकी है, लेकिन एक भी मामले में अपराधी नहीं पकड़ा गया है। इस मामले में हम रिव्यू करके देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है, उसके बाद अगर कार्रवाई की जा रही है पुलिस के द्वारा और उस कार्रवाई में तेजी लाने के लिए मेरी तरफ से। झपट्टा मार गिरोह से लोग बहुत आतंकित हैं, उनको चिन्हित करके बैंक और जो जो भी है इस तरह के संस्थान है, वित्तीय संस्थान, वहाँ पे हम अपना सारी वर्दी में भी पुलिस को प्रतिनियुक्ति करेंगे। और ये जितनी भी घटनाएं मैडम हो रही है सो मतलब अम्बेडकर चौक उच्चैठ रोड में और अनुमंडल बनकट्टा रोड है जो सामने और खास गिरोह लगता है कि सक्रिय है और ये लोग बैंक से ही लगते हैं, केमिकल भी छिड़काव करते हैं। इस घटना के बाद मेरी इस पे नजर रहेगी और उस गिरोह को चिन्हित करके तुरंत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार करने की कोशिश किया जाएगा और इस घटना पे तुरंत और जितना जल्दी हो सके अंकुश लगाने की कोशिश किया जाएगा।